वीडियो शुरू करने से पहले यार बता दूं कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी करके रखा है या फिर अभी करने वाला हो तो मेक श्योर यार सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन होते हैं ना ऑल पे कर लेना, क्योंकि पर्सनलाइज पे रखोगे तो नोटिफिकेशन देगा नहीं। अभी यूट्यूब का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है तो मेक श्योर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर रखना। हाय दोस्तों, मैं देव और आप सभी का माइनक्राफ्ट की एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो वीडियो अच्छी लगी ना तो एक लाइक करके ही जाना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है। तो बिना टाइम पास के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक साउंड आउट दे देते हैं एक बंदे को, तो उसका चैनल भी आप चैनल चेकआउट कर सकते हो नीचे से। उसका नाम है फटी बॉय गेमिंग। अगर आप उसका चैनल चेकआउट करना चाहो तो नीचे उसका लिंक प्रोवाइड है, वहाँ से आप उसका चैनल चेकआउट कर सकते हो। और तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम पास के। तो मैंने थोड़े बहुत बेस को थोड़ा एक्सटेंड किया था, एक लेयर और बढ़ाई थी और ये बेल नीचे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से फोर्ट्रेस पे जाया जाएगा, तो अदरवाइज ऐसे फोर्ट्रेस में नहीं जाया जाएगा। तो अभी मैं दिखा देता हूँ, अभी यहाँ नीचे तक पहुँच गई होगी शायद ये बेल। तो मैं भी आपको फोर्ट्रेस की सैर भी करा के ले आता हूँ। अभी वहाँ जा नहीं रहा बट आपको बस दिखा देता हूँ कि शायद पहुँच गई होगी नीचे तक बेल। बहुत नीचे यार फोर्ट्रेस। तो अभी हम आपको नीचे तक ले चलता हूँ फोर्ट्रेस पे। तो फाइनली ये बेल नीचे तक पहुँच चुकी है और ये देख सकते हो फोर्ट्रेस नीचे है, जस्ट नीचे ही अपने फोर्ट्रेस है। और फोर्ट्रेस पे आने के लिए आपको बेल का सहारा ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप नीचे नहीं आ पाओगे, मर जाओगे। तो ये फोर्ट्रेस है, इस पर आएँगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर भी आएँगे। यहाँ पर नीचे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, तो वेदर को मारने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा तो आप मरना पड़ेगा। तो ऊपर जाने के लिए अभी तो लेडर बनानी पड़ेगी अभी, अदरवाइज ऐसे ऊपर नहीं जा पाऊँगा मैं। तो फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ, तो अब जल्दी से आगे का काम कर लेता हूँ। तो ये ब्लॉक हटाने हैं, अभी ये सेकंड वाली लेयर हटाना है, यहाँ से बेसाल्ट, हाँ बेसाल्ट निकालना है। बेसाल्ट से बेसाल्ट की पिकेक्स बनेगी और अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन बेसाल्ट जनरेटर बनाने वाले हैं। तो बेसाल्ट जनरेटर के लिए अपन को 10 बेसाल्ट चाहिए होंगे जो शायद अपन को यहाँ से तो नहीं मिलेंगे, तो अपन को दूसरे आइलैंड से मिल जाएंगे, वहाँ से अपन बेसाल्ट लेके आने वाले हैं। तो ये पूरा हटा देता हूँ अभी जल्दी से मैं। तो यहाँ पे दो आयरन और भी मिलेंगे अपन को, और ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये तो पता नहीं क्या है बट ये गोल्ड इंगट है, ये जो ये क्या है येलो कलर के, ये गोल्ड इंगट और दो आयरन के ब्लॉक भी हैं यहाँ पे। तो ये ब्लैक कलर वाला बेसाल्ट है, तो इस बेसाल्ट से अपन पिकक्स बना सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो अभी अपडेट में आया कि अपन बेसाल्ट जनरेटर भी बना सकते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बनाना है बेसाल्ट जनरेटर। अभी तो उसकी जो जो रिसोर्सेज है वो इस वीडियो में कलेक्ट करने वाले हैं और दो आइलैंड पे जाने वाले हैं। तो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में अपन बेसाल्ट जनरेटर बनाएंगे और बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है वो बेसाल्ट जनरेटर। और आपको एक बात बता दूँ कि ये नॉर्मल स्काई ब्लॉक नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का, और इसमें आपको कोबाल्ट स्टोन रेयर है। कोबाल्ट स्टोन तो हम जैसे डायमंड आपको रेयर मिलते हैं ना, वैसे इसमें कोबाल्ट स्टोन आयरन ये रेयर चीज़ें हैं, ये आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि नेदर में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ये नहीं, तो कोई नहीं, तीन बेसाल्ट निकाल लिए, तो अब जल्दी से मैंने एक पिकक्स भी बना लिए। पिकक्स इसलिए बनाई क्योंकि मेरे को ये इंगट निकालने थे, मतलब क्या है गोल्ड के नगेट निकालने थे, क्योंकि वेस्ट हो जाएंगे अपन वुड की पिकक्स बनाएंगे। और यहाँ पे मतलब ये क्या बोलते हैं उनको, बेसाल्ट तो रेयर है एकदम, यहाँ पे मतलब डायमंड की तरह, और ये रहा आयरन ओर, तो इस ओर को भी निकालना। और फर्नेस कैसे बनाऊँगा यार, अभी मेरे पास बेसाल्ट नहीं है, मेरे पास 9 बेसाल्ट होंगे जब जाके एक फर्नेस बनेगा बेसाल्ट का फर्नेस। तो जल्दी से इनको निकाल लेता हूँ। और ये हो रहा, आप नीचे कमेंट बता रहे कि ये क्या चीज़ है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही यार, नेदर रैक तो नहीं है ना ये, बट कोई नहीं छोड़ो, एक बार ऊपर चलते हैं एक बार, फिर सारा सामान रख के आ जाता हूँ। तो ये थोड़ा सा अपडेट किया था मैंने, और इससे आप ये बना लेते बोन मील। तो ये फंगस वाले पेड़ होते हैं ना, इनसे जो सैपलिंग होती है, मतलब जो इनकी पत्तियाँ होती हैं उनसे ये बनती हैं। तो कोई नहीं, तो ये मैंने बना लिए, मेरे पास 21 बोन मील बन के आ चुकी है। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे बोन मील बनाने में, और ये मैंने पेड़ कट किए थे जब मिले थे मुझे। तो कोई नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि अपन बोन मील बना सकते हैं इसके अंदर। तो ट्री ग्रो करने के लिए अपन को बोन मील बनानी पड़ती है, और ऊपर वाली लेयर बिल्कुल भी मत तोड़ देना, नहीं तो आपकी पूरी डस्ट चली जाएगी और आप पेड़ ग्रो नहीं कर पाओगे, उगा नहीं पाओगे। तो जल्दी से ये मतलब ये सारा तोड़ लेते हैं बेसाल्ट यहाँ से,
क्योंकि मुझे एक फर्नेस बनाना है। फर्नेस क्यों? क्योंकि अपन को आयरन इंगट मेल्ट करने हैं, मेल्ट करने के लिए तो फर्नेस से ही होगा, तो फर्नेस बनाना ही पड़ेगा। तो जल्दी से अब इन बेसाल्ट को निकाल लेता हूँ मैं। तो फाइनली जितना हो सका मैंने पूरे मतलब बेसाल्ट निकाल लिए, और ये एक नई ओर दे रखी है इसमें जो अभी न्यू अपडेट में आई थी नेदर के। तो इसका नाम भी बता देता हूँ आपको, ब्लैक स्टोन ऐसा कुछ है इसका नाम, ग्लाइडेड ब्लैक स्टोन नाम है इसका, ऐसा ही कुछ है। तो आप इसका यूज़ बताना कि क्या काम आता है ये, मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता तो नीचे कमेंट करके बताना। तो जल्दी से निकाल लेते हैं सारी चीज़ें। तो फाइनली निकाल लिया मैंने, अब थोड़ी बहुत चीज़ें और बच रही है और ये बाद में निकालूंगा मैं। तो अब बताना ज़रूर कि क्या काम आते हैं ग्लाइडेड ब्लैक स्टोन। तो अभी मेरे पास 12 मतलब बेसाल्ट हो चुके हैं, तो अब मैं एक फर्नेस बना सकता हूँ, तो मेल्ट करने के लिए काम आएगा। वैसे तो यहाँ से यार मुझे डर लगता है यार कि मैं गिर ना जाऊँ नीचे, तो यार देखो ऐसे गिर जाता हूँ यार, ये बहुत बकवास चीज़ बना रखी है मैंने। तो उधर से इसलिए नहीं बना रखा यार, बीच में दिक्कत होती है ऊपर चढ़ने में बार बार में। तो कोई नहीं, अब जल्दी से ऊपर चलते हैं और एक फर्नेस बना लेते हैं। तो ये नेदर में अपन बेसाल्ट कोबा स्टोन की तरह काम करेंगे, बट यहाँ पे कोबा स्टोन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे और ना आयरन मिलने वाला है, ओनली गोल्ड मिलेगा। तो पूरी वीडियो देखना, मतलब पूरी वीडियो को फॉलो करना, तो वैसे ही आपको सर्वाइव कर पाओगे, नहीं अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और शाउट आउट चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, आपको शाउट आउट मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से प्लैंक बना लेते हैं और चलते हैं दूसरे आइलैंड पे। तो अब जल्दी से बना लेते हैं, प्लैंक बना दी, अब सारे सामान रख देता हूँ यार, नहीं गिर जाऊँगा तो सारी बूट जाएगी मेरी। तो कोई नहीं भाई, एक आए दो आइलैंड पे जाना है अभी, क्योंकि वहाँ से मुझे मतलब आइस लेके आनी है, शायद ब्लू आइस है क्या है, आइस है जिससे अपन बेसाल्ट जनरेटर बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब चलते हैं, एक यहाँ पर नहीं लगाना था यार, नीचे वाले पर लगाना था। तो अब जल्दी से नीचे वाले पर लगा दिए, अब इसको हटा देते हैं ऊपर वाले को। जल्दी से हट जा भाई, जल्दी 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 हट जा हट जा हट जा। तो कोई नहीं, अब जल्दी से चलते हैं सामने वाले आइलैंड पे, और वहाँ पे अपन को एक चेस्ट मिलेगी, चेस्ट में अपन बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अब जल्दी से चलते हैं सामने वाले आइलैंड पे। तो जल्दी प्लैंक लगाओ, प्लैंक लगाओ, प्लैंक प्लैंक। तो फाइनली मैं प्लैंक लगाते लगाते यहाँ तक आ चुका हूँ, स्लैब। तो ये है आइलैंड, यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टोन मिल जाएंगे, मतलब बेसाल्ट मिल जाएगा, और इस पर आपको बहुत सारी चीज़ें लूट मिलेगी। तो इससे आइस बनेगी, आइस से आपका बेसाल्ट जनरेटर बनेगा, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप पूरी वीडियो फॉलो करना, अच्छी लगे लाइक करना और नीचे कमेंट करके बताना, और जो जो चीज़ें मैं पूछूँ मेरे को नहीं पता होती है तो आप मेरे को हेल्प भी कर सकते हो। और आपको शाउट आउट चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, नीचे कमेंट कर दो, अपने चैनल का लिंक भी प्रोवाइड करा दो यार, क्योंकि यार मैं नीचे लिंक भी डालता हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन में। तो कोई नहीं, हम जल्दी से अपने मेन आइलैंड पर चलते हैं और फिर चलते हैं दूसरे आइलैंड पर, क्योंकि इसमें 7 आइस मिली हैं, तो अपन को चाहिए 9 आइस। तो 5 तो हैं, 2 मेरे पास पड़ी हैं पहले से। तो अब जल्दी से अभी एक चेस्ट लगा देता हूँ, इसके अंदर सामान रखना है ना। तो इस चेस्ट के अंदर सारा मशरूम भी मिल गए मुझे, और ये सैपलिंग मिली है, मतलब फंगस की सैपलिंग है। और कोई नहीं, अब चलते हैं यहाँ से। तो अब देखते हैं ये आइस कैसे बनेगी यार, ये तो ब्लू आइस बनाने के लिए तो 9 चाहिए, अभी मेरे पास 7 है ना, 6 चाहिए और मेरे 9 चाहिए और मेरे पास 7 पड़े हैं अभी, तो 2 और चाहिए जो वो सामने वाले आइलैंड पे मिलेंगे। तो अभी जल्दी से प्लैंक बना लेते हैं और सामने वाले आइलैंड पे चलते हैं। तो जल्दी से एक बार ये फंगस उगा लेते हैं, इससे फिर सैपलिंग मतलब वुड मिलेगी तो ही अपन जा पाएंगे, अपन पास वुड की बहुत कमी है यार। और एक बार पेड़ उगाने पर ये डस्ट ख़राब हो जाती है, तो आप लिमिटेड सोर्स कर सकते हो, ज़्यादा पेड़ नहीं उगा पाओगे यहाँ पर। तो कोई नहीं, जल्दी से चलते हैं सामने वाले आइलैंड पे। तो प्लैंक बना लिए, 64 का स्टैक है मेरे पास। तो चलते हैं सामने वाले पे, तो उस पर थोड़ा अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, उस पर मुझे लावा भी दिख रहा है, लावा की भी ज़रूरत है। तो कोई नहीं, अच्छी बात है, लावा मिल गया है। बेसाल जनरेटर नॉर्मल यही है कि आप कोबा स्टोन जनरेटर मान लो, बट उससे बहुत सारे स्टोन बनेंगे जो बहुत काम की चीज़ें हैं। तो अपना घर अपन बहुत डिफरेंट टाइप का बना सकते हैं उन स्टोन से, तो वो मतलब बहुत अलग अलग टाइप के स्टोन अपन को प्रोवाइड कराता है बेसाल्ट। तो कोई नहीं, अपन आ चुके हैं अपने मेन आइलैंड पे, जहाँ पे अपन आना था, उस पे चेस्ट मिलेगी, चेस्ट में अपन को 2 आइस मिलेंगे। और तो अभी देख के बताना पड़ेगा, मुझे भी कन्फर्म नहीं पता, इतना पता है कि मुझे आइस मिलेगी जिससे अपन बेसाल्ट जनरेटर बना सकते हैं। मैंने इसका ट्यूटोरियल पढ़ा था,
सारे इसके बैच नोट्स सारी चीज़ें मैंने पढ़ के विकीपीडिया पे जितनी भी चीज़ें फिर इसको खेलना स्टार्ट किया है। तो कोई नहीं, अब जल्दी से इसको आगे लगा देता हूँ, ऊपर जाने का रास्ता बना लेता हूँ एक बार। तो ये बन गया रास्ता, अब इस चेस्ट में से सामान लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। और यहाँ पे भी एक पोर्टल खुलेगा, जो पोर्टल अभी तो मुझे पता नहीं कौन सा पोर्टल है, बट वो भी फ्यूचर में देखेंगे क्या चीज़ है। तो अभी यह अपन को गोल्ड मिल चुका है, गोल्ड एप्पल मिल चुका है, एक आयरन इंगट मिल चुका है, दो आयरन इंगट अपने पास पहले से हैं। तो आयरन इंगट से अपन नॉर्मली अपन बकेट बनेगी, क्योंकि अपन को यहाँ से लावा लेके जाना पड़ेगा। तो लावा ले जाने के लिए अपन को बकेट चाहिए होगी, और यहाँ पे एक पोर्टल खुलेगा। अब पोर्टल तो पता नहीं, चेकआउट करेंगे फ्यूचर में, आप वीडियो पे कंटिन्यू रहे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी पोर्टल खुलने वाला है। तो कोई नहीं, यहाँ से सारा सामान ले लिया, चेस्ट भी ले लेते हैं और चलते अपने मेन आइलैंड पर। और तो बहुत वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो ज़्यादा वीडियो नहीं रखने वाले हैं। तो यार ये टेक्सचर पैक के कारण, ये देखो ये नीचे वाला हिलता हुआ दिखता है। तो कोई नहीं, आ चुके अपने मेन आइलैंड पे और ये बना लिए ब्लू आइज। तो ये अपने वैशाल जनरेटर की मेन चीज़ है, तो इसको संभाल के रखना पड़ेगा। और तो बहुत काम कर लिया वैसे तो मैंने, अब मुझे बस इस आयरन को मतलब मेल्ट करना है। तो इन वुड से नहीं होगा ये मेल्ट, क्योंकि ये वुड जलती नहीं है, ये फंगस है, तो फंगस का भी जलती नहीं है, तो इसलिए अपन को स्टिक बनानी पड़ेगी। तो फंडेंस को चलाने के लिए इसमें स्टिक का काम होता है, तो आपको स्टिक बनानी पड़ेगी। तो जल्दी से अब आयरन को मेल्ट कर लेते हैं और इन स्टिक को बना लेते हैं। तो कोई नहीं, अब जल्दी से इसमें रख देते हैं स्टिक। उधर देख सकते हो या फंडेंस काम करना स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा और ये वुड जलती नहीं है, इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो इसलिए यही इसका नेगेटिव है चीज़ है कि आप बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो मेरे पास 3 आयरन इंगट आ जाएँ तो मैं एक बकेट बना सकता हूँ। तो अब जल्दी से मेल्ट कर लेते हैं आयरन को और फिर वीडियो एंड करते हैं, और एक जल्दी से वो भी बना लेता हूँ, बकेट और सारा सामान रख देता हूँ यहाँ पर। और 3 आ चुके हैं, तो अपन बहुत मेहनत से अपने पास 3 आयरन इंगट आए और बकेट आ चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, शाउट आउट चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना कि आपको शाउट आउट चाहिए। और मैं एक बंदे को हर बार सपोर्ट करता हूँ, और इस वीडियो का भी मैंने सपोर्ट मतलब शाउट आउट दे दिया और नीचे उसका लिंक दिया उस भाई का, तो आप चैनल चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बाय बाय टाटा, सी यू, बाय बाय। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।